आपको सिविल कॉन्क्लेव प्रेजेंटेशन में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कास्ट होगा। ये डिटेल में क्वांटिटी कैलकुलेशंस एवरीथिंग के साथ में आपको समझाना चाहता हूँ। अभी कोई भी बिल्डिंग के एस्टिमेशन करने के लिए जो ड्राइंग जो मिला है उससे अपन को ये क्वांटिटी निकालना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक्सकवेशन, फुटिंग पीसीसी, कॉलम प्लिंथ लेवल तक का, बैकफिलिंग का क्वांटिटी, प्लिंथ बीम आरसीसी, ग्रेड स्लैब आरसीसी, कॉलम अप टू स्लैब लेवल आरसीसी, ब्रिक मेसनरी, इनसाइड प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, सीलिंग प्लास्टर, स्लैब आरसीसी, इनसाइड पेंट का क्वांटिटी, बार का साइड का पेंट का क्वांटिटी, प्लस टाइलिंग, वाटर प्रूफिंग, सब कुछ। ये सब होने के बाद आपका बिल्डिंग एस्टिमेशन होता है। अभी एक्सकवेशन, अभी एक्सकवेशन के लिए अपन को फुटिंग लोकेशन का ड्राइंग, सेक्शन ड्राइंग, ये सब चाहिए जो हमने आपको इधर दिखा रहा हूँ। आप देखोगे आपका फुटिंग का लोकेशन, अभी आपको फुटिंग का हाइट कितना है, फुटिंग से प्लिंथ बीम का हाइट कितना है, ग्रेड स्लैब का थिकनेस क्या है, चजिया क्या है और विंडोज़ ओपनिंग, ये सब कुछ आपको इस ड्राइंग में आपको मालूम पड़ जाएगा। फुटिंग का डायमेंशन इधर मार्क किया गया है, ठीक है। अभी ये रहा फुटिंग का लोकेशन है, ये देखिए आपको इसमें 11 फुटिंग है, ठीक है। फुटिंग का साइज है 0.6 प्लस 1 मीटर प्लस 0.6, दैट इज 2 मीटर 200 का है लेंथ है, जो आपका जो टोटल हाइट है। अभी 6 mm वर्किंग स्पेस चाहिए फुटिंग के बोथ साइड्स में, 1 मीटर आपको फुटिंग साइज चाहिए आपको, ठीक है। ये टोटल लेंथ हो गया आपको। अभी डेप्थ है ग्राउंड लेवल से टोटल है 0.6 प्लस 1 प्लस 0.6, 6,600 आपको वर्किंग स्पेस चाहिए। आप देखोगे अभी एक्सकवेशन का क्वांटिटी, एक्सकवेशन है, फुटिंग साइज है 1 मीटर बाय 1 मीटर है, 11 नंग चाहिए, लेंथ है 2 मीटर 200, विड्थ है 2 मीटर 200, हाइट है 1 मीटर 850, टोटल क्वांटिटी हो गया आपको 84.12 क्यूबिक मीटर हो गया। अभी फुटिंग के पीसीसी आपको ड्राइंग के हिसाब से लेंथ 0.15 प्लस 1 मीटर प्लस 150, मतलब 1 मीटर 1500, 1 मीटर 300, सो 150 का फुटिंग होता है और फुटिंग का साइज 1 मीटर होता है। अभी आपको क्वांटिटी ऐसा निकाला जाता है, फुटिंग आरसीसी, फुटिंग 1 मीटर बाय 1 मीटर, उसका थिकनेस है 75 mm है, आपको होता है टोटल 11 फुटिंग है, 1 मीटर 300 बाय 1 मीटर 300 बाय 0.75 मीटर है, क्वांटिटी है 1.39 क्यूबिक मीटर होता है। अभी फुटिंग का आरसीसी, फुटिंग 11 फुटिंग है, लेंथ एंड विड्थ 1 मीटर 1 मीटर है, हाइट है 450, 1 मीटर फुटिंग का साइज है। अभी इसको क्वांटिटी ऐसा होता है, 11 फुटिंग है, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 450, टोटल क्वांटिटी हो गया 4.95 क्यूबिक मीटर हो गया। अभी कॉलम अप टू प्लिंथ बीम है, लेंथ है 230 mm है, ब्रेथ 230 mm है, हाइट है 1 मीटर 500, आपका ड्राइंग देखने से मालूम पड़ता है। अब देखिए इधर पूरा क्लियर डिटेल दिया हुआ, ठीक है। ये देखिए 1 मीटर 50 दिखाया हूँ मैं इसको, कॉलम का हाइट, ये कॉलम का साइज होता है 230 बाई 230 का, आपको पूरा आप देखिए कि कॉलम का साइज है 200 बाई 230, हाइट है 1 मीटर 5 का, ठीक है। अभी इसको क्वांटिटी कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल है, 11 कॉलम है 230 बाई 230, 1 मीटर 50 बैक फिलिंग है, सो हो गया आपको पॉइंट फिलिंग क्यूबिक मीटर और ब्रेथ है, हाइट फुटिंग बॉटम टू ग्राउंड लेवल 1.58 मीटर है। आपका बैक फिलिंग ऐसा होता है एक्सकवेशन, उसमें से फुटिंग का पीसीसी, कॉलम का आरसीसी
और फुटिंग का आरसीसी, ये सब माइनस करने के बाद आपको बैकफिलिंग क्वांटिटी आता है। हाइट ऑफ बैकफिलिंग है 600 एमएम का है। टोटल प्लिंथ बीम का बैकफिलिंग है टोटल एरिया माइनस प्लिंथ बीम। अभी देखिए बैकफिलिंग है फुटिंग में, एक्सकवेशन एरिया आपको 84.12 क्यूबिक मीटर आया हुआ है, इसमें डिडक्शन ऑफ फुटिंग पीसीसी फुटिंग आरसीसी फुटिंग कॉलम ये सब माइनस करने के बाद आपको 77.16 क्यूबिक मीटर आपको इस एरिया में फिलिंग आ गया। अभी प्लिंथ फिलिंग है, प्लिंथ एरिया का 10 मीटर 10 मीटर 240 बाई 7 मीटर 609 बाई प्लस 600 ये हो गया 47.25 क्यूबिक मीटर। उसमें डिडक्शन है जो बीम्स का जितनी भी डिडक्शन है बीम का डायमेंशन ये सब कुछ ये माइनस होता है। सो टोटल क्वांटिटी ये माइनस 47.25 से करने से आपको 39.17 होता है। फिर टोटल बैकफिलिंग क्वांटिटी क्या होता है, 39.17 प्लस 77.16 ये होता है 116.33 क्यूबिक मीटर आपको बैकफिलिंग होता है। अभी प्लिंथ बीम कॉन्क्रीटिंग है, वो जो ड्राइंग की जो पहले दिखाया हो वो देख लीजिएगा थोड़ा। ये देखिए इधर पूरा ड्राइंग है, मैं पूरा मेंशन किया हूँ क्या लेंथ है क्या डेप्थ है, आपको देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। अभी देखिए ये 4 मीटर है अंदर अंदर का, ये 230 का है, ये बीम 230 का है, ये सब कुछ इस ड्राइंग से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी L1 है 3 नंबर है, ओके। अभी L1 है 3 नंग है, 1 2 3 नंग है। L2 है 4 नंग है, 1 2 3 4 नंग है। L3 है 3 नंग है, 1 2 3 है। L4 है 1 नंबर है, ये इधर का बीच का है। L5 है 1 नंबर है, ये जो बाथरूम का ये जो डायमेंशन का है, ये बीम का डायमेंशन है 230 बाई 600 एमएम का है। अभी जो इसकी क्वांटिटी प्लिंथ बीम का क्वांटिटी ये होता है, प्लिंथ बीम आरसीसी बीम का साइज है 230 बाई 600 एमएम है। L1 है 3 नंग 10 मीटर 240 बाई 230 इंटू 600 4.24 क्यूबिक मीटर है। L2 है 4 बीम है 3 मीटर लेंथ है 230 का विड्थ है 600 इससे डेप्थ है हो गया 1.66। L3 है 3 नंग है 4 मीटर बाई 230 बाई 600 1.66 क्यूबिक मीटर है। L4 है 1 बीम है 1.5 बाई 0.23 और 600 का 0.21 क्यूबिक मीटर हो गया है। L5 होता है 1 बीम है 2.315 230 बाई 600 का 0.32 है। सो टोटल क्वांटिटी होता है मीटर आपको ग्रेट स्लैब है, आपको टोटल लेंथ टोटल ब्रेड और थिकनेस माइनस कॉलम का जो साइज है वो करने के बाद ग्रेट स्लैब का आरसीसी है आपको 10 मीटर 240 बाई 7 मीटर 690 इंटू 100 दैट इज थिकनेस ऑफ स्लैब है माइनस गहरा कॉलम है 230 बाई 230 बाई 100 का है। सो आपको ग्रेट स्लैब का आरसीसी क्वांटिटी होता है 7.87 माइनस 0.6 है। सो ग्रेट स्लैब का क्वांटिटी होता है 7.82 क्यूबिक मीटर होता है। कॉलम अप टू स्लैब लेवल है। अभी कॉलम जो स्लैब लेवल तक जो प्लिंथ बीम से जो कॉलम का जो स्लैब का बॉटम तक उसका कहते हैं हम लोग का कॉलम अप टू स्लैब लेवल है। इसका कॉलम लेंथ और ब्रेथ है 0.23 क्यूबिक मीटर 230 बाई 230 का है। हाइट है इस इक्वल टू ग्राउंड स्लैब माइनस ग्राउंड फ्लोर माइनस स्लैब बी ये होने के बाद क्वांटिटी आता है। हाइट है 3 मीटर बाई 350 बीम का डेप्थ है सो हो गया आपको 2 मीटर 650 मीटर है। आपको क्वांटिटी होता है कॉलम अप टू स्लैब लेवल आर से 11 कॉलम है 230 बाई 230 का 2 मीटर 650 का हाइट है 1.54 क्यूबिक मीटर होता है आपको कॉलम अप टू स्लैब। अभी ब्रिकवर्क बांध काम का जो 9 इंच का और 4 इंच का बांध काम का है। अभी आप देखोगे ये जितना भी बार का बांध काम है ये सब 9 का बांध काम है। अभी काली 115 का बांध काम काली ये जो इतना ही एरिया का आपको 115 का बांध काम होता है दैट इज 4 इंच का बांध काम वो बाथरूम के एरिया में होता है। अभी उसको जो एलिवेशन ड्राइंग है मैं आपको दिया हूँ सो आपको ये जो विंडो जो भी माइनस करने के लिए काम का है 230 का लॉन्ग वाला है 3 10 मीटर 240 बाई 200 बाई 2 मीटर 650 1872 क्यूबिक मीटर है।
शार्ट वाला है 3 × 3 × 0.23 × 2.65 होता है 5.49 क्यूबिक मीटर है। शार्ट वाल एक होता है 3 × 230 × 1.2 × 0.83 क्यूबिक मीटर होता है। शार्ट वाल टू है 3 × 4 × 230 × 2 × 650 × 7 × 31 क्यूबिक मीटर होता है। ऐसा इसमें डिडक्शंस है, डोर्स विंडोज़ ये सबको डिडक्शन करता है। ये करने के बाद आपको जो टोटल क्वांटिटी आया है 9 इंच का बांधकाम का आपको 24.49 क्यूबिक मीटर। अभी 4.5 इंच का बांधकाम है, बाथरूम में 1500 × 115 × 2 × 650 0.46 क्यूबिक मीटर होता है। पैसेज वाल है 2 × 315 × 115 × 2 × 150 0.71 क्यूबिक मीटर होता है। फिर बाद में इसकी जो डिडक्शंस है डोर विंडोज पैरापिट वाले ये सब माइनस करने के बाद आपको टोटल क्वांटिटी ऑफ 4 इंच का बांधकाम होता है आपको 4.8 क्यूबिक मीटर होता है। ये आपको ये ड्राइंग से सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, आपको दिखेगा होगा ये सब कुछ कैसा कैसा माइनस किया, ये सब कुछ विंडोज डोर्स ये सब इसमें मेंशन किया है। अभी अंदर का प्लास्टर है, अभी पॉइंट फॉर रिडक्शन है, दैट इज बिलो सेक्शन इज फुल डिडक्शन है। बिलो सेक्शन का मतलब फुल डिडक्शन होता है। ऑफ डिडक्शन एरिया है 3 × 300 अबव, इसका मतलब ये सेंटर लाइन मेथड में होता है ये कैलकुलेशन। अभी आप देखोगे बेडरूम है, लॉन्ग वॉल है 4 × 3 × क्वांटिटी है 2400 स्क्वायर मीटर होता है। शार्ट वॉल है 2 नंग है 3 × 3 × हो गया था 18 स्क्वायर मीटर होता है। ये सब बेडरूम का डायमेंशंस आप ड्राइंग देखिए, ये डिडक्शन है, डोर्स विंडोज ये सब कुछ डिडक्शन ये होता है। फिर बाद में किचन एंड डाइनिंग में लॉन्ग वॉल है 2 होता है 4 × 3 × 2 नंग है उसको 24 स्क्वायर मीटर हो गया। साइड वॉल है 2 × 4 × 3 24 स्क्वायर मीटर हो गया, उसको डिडक्शन है डोर्स एंड विंडोज होता है। अभी वरांडा का लॉन्ग वॉल है 2 × 3 × 3 18 स्क्वायर मीटर है। शार्ट वॉल है 3 × 3 9 मीटर स्क्वायर हो गया। शार्ट वॉल है 3 × 1 × 200 × 3 × 600 स्क्वायर मीटर हो गया। अभी जो डिडक्शन है ये डोर्स एंड विंडोज़ का सब कुछ डिडक्शन होता रहता है, ये माइनस आपको दिखाया है डोर सब कुछ है। अभी ड्राइंग रूम है, लॉन्ग वॉल है 2 × 5 × 550 × 3 × 33 स्क्वायर मीटर है। शार्ट वॉल है 2 × 4 × 3 24 स्क्वायर मीटर हो गया, इसको भी डिडक्शन होता है डोर्स और विंडोज़ ये सब कुछ माइनस होता है। अभी बाथरूम का लॉन्ग वॉल है जो बाहर की तरफ का जो वॉल है 2 × 1500 × 3 9 स्क्वायर मीटर है। शार्ट वॉल है 2 × 1200 × 3 720 है, इसको भी डोर डिडक्शन होता है डोर विंडो ये सब कुछ डिडक्शन होता है। डब्ल्यू सी में भी सेम है, लॉन्ग वाला 2 × 1500 × 3 9 स्क्वायर मीटर है, शार्ट वाला 2 × 1 × 3 6 स्क्वायर मीटर है। अभी डिडक्शन है, डोर्स हैं वेंट का डिडक्शन होता है। पैसेज है, पैसेज का जो लॉन्ग वाला है 2 × 2 × 320 × 3 13.92 स्क्वायर मीटर हो गया। शार्ट वाला है 2 × 1.39 × 3 8.34 स्क्वायर मीटर हो गया। दो दरवाजा है 1.58 स्क्वायर मीटर का, डोर D1 है आपको 2.1 स्क्वायर मीटर का, डोर O है 2.5 स्क्वायर मीटर है। सो आपको जो ये सब डोर विंडो सब माइनस करने के बाद आपको इंटरनल साइड प्लास्टर का क्वांटिटी होता है 208.8 स्क्वायर मीटर है। अभी एक्सटर्नल प्लास्टर, अभी एक्सटर्नल प्लास्टर में भी यही है, फ्रंट साइड है आपको 4 × 4.5 × 4 × 775 × 21.25 स्क्वायर मीटर हो गया। 3 × 230 × 2 × 180 × 7 × 400 ये हो गया स्क्वायर मीटर है। लिंटल है आपको 2 × 1 × 300 2.6 स्क्वायर मीटर हो गया, इसमें भी आपको डिडक्शन होता है डोर विंडो का। अभी बैक साइड का भी, अभी लिंटल है 2 × 1.2 × 1.3 3.12 स्क्वायर मीटर है। अभी डिडक्शन है विंडो W2 का आपको हो गया -1.2 स्क्वायर मीटर है। राइट साइड में आपको 10.24 × 4 × 775 48.900 अभी इसमें भी आपको डिडक्शन डोर्स विंडोज ये सबका माइनस होता है। डिडक्शन है विंडो 1 के लिए 1.8 स्क्वायर मीटर हो गया, विंडो 2 के लिए 0.6 स्क्वायर मीटर हो गया, लॉन्ग वॉल के लिए आपको 22.3 टी दैट इज़ अ पैरापिट वॉल का जो ऊपर का जो बांध का प्लास्टर होता है
उसको दो साइड होता है, अंदर बाहर दोनों का तरफ होता है, इसके लिए आपको दो साइड पकड़ा गया है। शार्ट वाल में भी दो साइड है, 7 मीटर 640 बाई 1 मीटर है, आपको 14.92 स्क्वायर मीटर है। सो आपको टोटल एक्सटर्नल प्लास्टर क्वांटिटी होता है 197.87 क्यूबिक स्क्वायर मीटर, जब विंडो सबको माइनस करने के बावजूद। अभी सीलिंग प्लास्टर है, आपको सीलिंग प्लास्टर है, बेडरूम का साइज है 4 मीटर बाई 3 मीटर 12 स्क्वायर मीटर है, किचन एंड डाइनिंग 4 मीटर बाई 316 स्क्वायर मीटर है, परांडा है 3 मीटर बाई 3 मीटर 9 स्क्वायर मीटर है, ड्राइंग रूम है 5 मीटर 550 बाई 4 22.2 स्क्वायर मीटर है, बाथरूम है 1.5 बाई 1.2 1.8 स्क्वायर मीटर है, WC 1.5 बाई 1 = 1.5 स्क्वायर मीटर है, पैसेज है 2 मीटर 320 बाई 1 मीटर 390 बाई 3.22 स्क्वायर मीटर है। सो आपको प्लास्टर का क्वांटिटी हो गया सीलिंग प्लास्टर का 65.72 स्क्वायर मीटर है। अभी स्लैब बीम का कंक्रीटिंग, ये देखिए आपको पूरा ड्राइंग है आपको दिखाया गया, स्लैब एरिया आपको 10.24, ये रहा 10.24, 7.69 दैट इज विड्थ है, 0.100 दैट इज स्लैब थिकनेस है, 7.87 क्यूबिक मीटर है। अभी S1 बीम है, S1 बीम का लेंथ होता है 3 है, दैट इज 3 1 2 देखिए S1 किधर किधर होता है आपको, ये रहा एक S1, दूसरा S1, ये तीसरा S1। S1 है 3 नंग है, 10 मीटर 240 बाई 230 बाई 350 2.47 क्यूबिक मीटर हो गया। अभी S2 एक 2 3 4, सो 4 बाई 3 बाई 230 बाई 350 0.97 क्यूबिक मीटर हो गया। S3 1 2 3 है, ये 3 बाई 4 मीटर बाई 230 बाई 350 0.97 क्यूबिक मीटर हो गया। अभी S4 है, ये रहा एक S4 है, ये हो गया 1500 बाई 230 बाई 350 0.12 क्यूबिक मीटर है। S5 ए वाला बीम हो गया, ये हो गया 2.315 बाई 0.23 बाई 0.35 0.19 क्यूबिक मीटर है। सो टोटल RCC स्लैब का क्वांटिटी हो गया 12.59 क्यूबिक मीटर। अभी फोर टाइल कास्टिंग है, अभी आपका जो फोर टाइलिंग है ये देखिए, फ्लोर टाइल है, बेडरूम है ये रहा 4 मीटर बाई 3 मीटर, ये हो गया 12 स्क्वायर मीटर, किचन है 4 मीटर बाई 4 मीटर 16 स्क्वायर मीटर हो गया, वरांडा है, ये जो वरांडा हॉल है 3 मीटर बाई 3 मीटर 9 स्क्वायर मीटर हो गया, ड्राइंग रूम है, ये रहा ये ड्राइंग है 4 मीटर बाई 5 मीटर 550 है 22.2 स्क्वायर मीटर है। टोटल क्वांटिटी है आपका हो गया 59.2 स्क्वायर मीटर है। अभी बाथरूम का डाडो टाइल, अभी WC 1.5 × 3 इज द हाइट, ये देखिए ये है, ये 1.5 है, 3 मीटर हाइट का दो साइड हो गया, सो आपको देखिएगा 9 स्क्वायर मीटर हो गया। अभी ये साइड में 1.2 बाई 3 3.6 है, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी होता है 24.6 स्क्वायर मीटर है, टेरेस है 10 मीटर 78.74 क्वांटिटी हो गया। अभी बाथरूम और टॉयलेट का, बाथरूम 1.5 मीटर बाई 1 मीटर 1.5 स्क्वायर मीटर है, WC है 1.5 मीटर बाई 1 मीटर 201.8 है। टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक बट कोबा है 95.54 स्क्वायर मीटर। बारे में अपन कास्ट एनालिसिस में आता है, ये जो अपन एक्सकवेशन का क्वांटिटी है 84.13 है, रेट है 150 रुपया, 121,000 रुपये 618 रुपया, PCC बिलो फुटिंग है 1.39 क्यूबिक मीटर होता है 350 3,000 के भाव से 4,865 है, फुटिंग कंक्रीटिंग है 4.96 है 5,500 के भाव से 27,225 रुपये होता है, कॉलम अप टू प्लिंथर वाला 0.67 है 5,500 के भाव से 3,685 है, प्लिंथ बीम कंक्रीटिंग है 0.32 है 3,500 के हिसाब से 1,120 होता है, ग्रेड स्लैब है 15.4 है 3,500 के भाव से 53.900 है, बैक फिलिंग है 116 क्यूबिक मीटर होता है 1,800 के भाव से 44,082 रुपया,
ब्रिकवर्क है 230 एमएम का थिकनेस है, 24.49 क्यूबिक मीटर है, 1800 का भाव से 44,082 रुपये होता है। 4 इंच का बांध काम है 4.87 है, 900 का भाव से 4,383 होता है। कालम अप टू स्लैब लेवल 2.65 क्यूबिक मीटर है, 5,500 का भाव से 14,575 होता है। स्लैब कॉन्क्रीटिंग है 12.59 क्यूबिक मीटर होता है, 5,500 का रेट के हिसाब से 69,345 रुपये होता है। रेइनफोर्समेंट है, रेइनफोर्समेंट का हम लोग ने बार बेंडिंग शेड्यूल ये सब कुछ बनाने का नहीं है, क्योंकि अभी तक ड्राइंग में हमारे पास वो डिटेल नहीं है। हम लोग का जनरली थंब रूल से कंसिडर करता है 4 kg पर स्क्वायर फीट है। सो कंसम्पशन ऑफ स्टील क्या होता है, आपको 78.74 है, आपको स्क्वायर मीटर एरिया है 10.764 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 847 स्क्वायर फीट आएगा। तो चार के उसका मतलब 3,390 kg हो गया, 3,390 kg 45 का भाव से 1,52,550 रुपये हो गया। इंटरनल प्लास्टर 208.89 है, 550 का भाव से 1,14,000 रुपया 898 रुपये हो गया। सीलिंग प्लास्टर है 65.72, 450 के हिसाब से 29.574 हो गया। एक्सटर्नल प्लास्टर है 197.87 है, 850 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से 168,179 हो गया। अभी इंटरनल पेंटिंग है 208 स्क्वायर मीटर है, 150 का भाव से 31,333 हो गया। सीलिंग पेंटिंग है 62 स्क्वायर मीटर के लिए 150 के हिसाब से 9,898 रुपये हो गया। एक्सटर्नल पेंटिंग है 197 स्क्वायर मीटर है, 350 रुपये के भाव से 69,254 स्क्वायर मीटर हो गया। फ्लोर टाइल्स है 59.2 स्क्वायर मीटर, 450 का भाव से 26,640 रुपये हो गया। डैडो टाइल्स है 24.6 स्क्वायर मीटर है, 350 का भाव से 8,610 रुपये हो गया। वाटर प्रूफिंग है 95.54 है, 1150 1,09,871 रुपया। डोर है 6 मीटर 100 स्क्वायर मीटर है, 1200 का रुपये का भाव से मिलता है 7,320 रुपया। विंडो है 4 मीटर 800 2,800 के हिसाब से 13,440 रुपया। सो इसका मतलब टोटल कास्ट हो गया 11,13,835 रुपया 75 पैसा। इसके ऊपर जो रेगुलर जो गवर्नमेंट का टैक्सेस हैं वो भी जोड़ा जाता है। ये जो कास्ट जो मैंने जो निकाला ये काली टेंटेटिव है, ये आप सही मत मानिए। इसका मतलब सही मतलब हर कोई एरिया में ये रेट हैं चेंज होते जाएंगे, मटेरियल का रेट अब चेंज होगा, लेबर का रेट चेंज होगा, वेस्टेजेस का कैलकुलेशन अलग होगा। ये जो कास्ट एनालिसिस मैंने सिर्फ बनाया सिर्फ कोका, दैट मींस ओनली अ शेल। इसमें हमने प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, बाकी जो एक्सटर्नल गार्डनिंग ये सब कुछ मैं इसको जोड़ा नहीं है। ये इसके बारे में हम दोबारा प्रेजेंटेशन में इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये एक सिस्टम ऑफ मेथडोलॉजी जो आपको क्वांटिटी निकाल के एक बिल्डिंग के लिए कैसा कास्ट किया जाता है, ये सिंगल स्टोरेज के लिए किया है। ये जितना भी माला होगा तो ऐसा ही कास्ट एनालिसिस हर कोई आइटम के लिए क्वांटिटी निकालना पड़ता है। क्वांटिटी के हिसाब से जो रेट लगता है वो लगने के बाद आपको जो कास्ट आएगा टोटल कास्ट आप जोड़ेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कास्ट आ जाता है, उसके ऊपर आपके कंपनी का प्रॉफिट ओवरहेड सब कुछ जोड़ा जाता है। ये काली आपको एक रफ आउटले एक आइडिया देने के लिए बनाया गया है। ओके, धन्यवाद आपके प्रेजेंटेशन देखने के लिए। आपके और अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके कारण मैं आपको अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। आपको कोई शक है, कोई शंका है, आप मेरे को लिख सकता है, मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब दूंगा। जितने भी इमेजेस हैं, जो भी ड्राइंग्स हैं, जो भी गूगल कर्टेसी से, तो गूगल से मैंने लिया गया, आप मेरे को लिख सकता है civilconclave@gmail.com में लिख सकता है, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप सिविल कॉन्क्लेव टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकता है। ये लिंक है, ऐसा है, ये देखिए लिंक है। धन्यवाद आपके लिए प्रेजेंटेशन जान से देखने के लिए। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसके कारण मैं आपको और अच्छी अच्छी
प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। धन्यवाद।